हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। मैं तनु अग्रवाल आज आपका डे थ्री के साथ आई हूँ। तो डे थ्री में हम पढ़ेंगे, हमने डे टू में देखा था, डे वन में हमने देखा था सिलेबस, और उसके बाद डे टू में हमने देखा था सम और विषम संख्याओं का योग हम कैसे करेंगे। तो उसमें हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे, एक तो जिसमें वन से लेके स्टार्ट हो रही थी सीरीज, और एक जो वन से ना होके अदर किसी डिजिट से स्टार्ट हो रही थी, बीच की किसी डिजिट से, यानी कि जैसे 20 या 30 इस तरह से, ठीक है। और अब उसी के आगे मैं एक तरीके के और क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसके बाद मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी इसके आगे। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें, और प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक तो कर दीजिए वीडियो को, यार इतनी मेहनत पे लाइक तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सम विषम संख्याओं का योग याद कीजिए। तो देखिए, अभी तक हमने सीरीज वाले क्वेश्चन देखे थे, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो तीन से प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? तो ये आने तो आपके एमसीक्यू फॉर्म में ही है, चार ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैंने आपके ऑप्शंस नहीं दिए, बस क्वेश्चन लिखे हैं, आपको जो भी मिलेंगे आप उस पर टिक कर दीजिएगा। तो तीन से प्रथम 10, यानी कि इसका मतलब क्या है, थ्री से स्टार्ट होने वाले 10 गुणजों का योग याद कीजिए। तो आप गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल, यानी कि जो थ्री की टेबल्स बनाते हैं, यानी कि थ्री की टेबल, ठीक है, गुणजों को बोलते हैं मल्टीपल्स। और सम विषम, इवन और ऑड, ठीक है। तो तीन से प्रथम 10 गुणजों का योग याद करना है, यानी कि थ्री के मल्टीपल्स लिखने हमें कहां तक, 10 तक। तो चलिए लिखते हैं, 3 1 3, 3 2, इस तरह से आपको कहां तक करने हैं, 3 10। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, और 3 10 30। तो ये बन गई आपके पास सीरीज। अब तो ये बन गई आपकी सीरीज, तो बस बहुत इजी हो गया आपके पास। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, क्या कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का क्या करेंगे, सम। तो यानी कि 3 + 30 डिवाइडेड किससे करना था आपको, 2 से, और मल्टीप्लाई करना था जितने सीरीज में डिजिट है, यानी कि टोटल डिजिट से। तो 1 2 3 इस तरह से ही कहां तक जा रहे हैं, 30 तक, यानी कि इस पूरी सीरीज में कितने डिजिट है, 10। तो टोटल डिजिट 10 है, हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। और इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 5 10, ये आया आपका 33 मल्टीप्लाई 5, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15, और ये आ गया 16, तो ये आ गया 165 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग बताना है। तो इसमें भी यही पूछ रहा है आपसे कि 18 के मतलब 8 के 18 टाइम्स मल्टीपल बताने हैं आपको। तो 18 1 18, 18 2, इस तरह से 18 8 तक बताना है आपको, ठीक है। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, 8 16 24, और आप इसकी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144, ठीक है। तो ये बन गई आपकी सीरीज। अब इसके लिए आंसर आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 8 + 144, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ सीरीज, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, 18। इस सीरीज में 18 ही दूंगे, 18 तक के मल्टीपल्स बोल रहे हैं, तो टोटल डिजिट्स कितने होंगे उस सीरीज में, 18। तो इसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, तो देखिए प्रथम 4 विषम संख्याएं बोल रहे हैं अब आपसे, यानी कि विषम संख्या कौन सी होती है, ऑड डिजिट्स, ठीक है, विषम होती है आपकी ऑड, और सम होती है इवन, ठीक है। तो प्रथम 4 बोल रहे हैं, तो 1 3 5 और 7, इस सीरीज का आपको सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 + 7 / 2, और टोटल डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई। बस आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, अब देखिए सम क्या है, इवन, 25 का बोल रहा है, तो ये देखिए कि 25 आप कैसे निकालेंगे प्रथम 25 डिजिट। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास 15 डिजिट में से 25 तो इवन होती हैं और 25 और डिजिट्स होती हैं। तो यानी कि ये सीरीज कहां तक जाएगी, 50 तक। तो यानी कि ये स्टार्ट किससे होगी, इवन नंबर 2 4 6, सो ऑन 50 पे तो खत्म होगी। 1 से 50 तक में आपके पास 25 तो इवन होते हैं, 25 ऑड होते हैं, और आपसे बोल रहे हैं 25 प्रथम 25 की इवन सीरीज बनानी है, वो 2 से लेके कहां तक होगी, 50 तक। तो 2 4 6 and 50, अब इसका सम करिए, 2 + 50 / 2 × 25, 25 नंबर्स बोले थे ना, 25 की सीरीज है आपकी।
तो आपका ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब प्रथम ट्वेंटी विषम फिर से आपके पास क्या गया ऑड, ठीक है क्या आया ऑड नंबर, तो प्रथम ट्वेंटी ऑड संख्याओं का योग, तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट ट्वेंटी ऑड डिजिट्स वन। अब ट्वेंटी में देखिए यानी कि 41 से 40 तक में आपके पास 20 तो इवन होंगी और 20 ऑड होंगी, ठीक है 20 इवन और 20 ऑड होंगी, तो ये जाहिर सी बात है आपकी कहां तक जाएगी सीरीज 40 तक, लेकिन 40 क्या है एक इवन नंबर है, तो ये सीरीज कहां तक जाएगी आपकी एक पहले यानी कि 39, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से 1 3 5 7 सो ऑन 39, तो ये सीरीज बनी है आपकी 20 ऑड नंबर्स की सीरीज। बस इसे सॉल्व कर लेंगे 1 + 39 / 2 × 20, इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम कहीं लग रही है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैथ्स विद तनु पे, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें, उस पर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं वहां मैसेज करके। तो इससे आगे अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देती हूँ, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपका न्यू टॉपिक वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, तो इसमें क्या होंगे स्क्वायर्स और क्यूब्स की आपको सीरीज मिलेगी, अभी तक जो सीरीज थी आपकी वो नॉर्मल सीरीज थी, इसमें जो आपको सीरीज मिलेंगी वो स्क्वायर बेस्ड और क्यूब बेस्ड होंगी, ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है तो नेचुरल नंबर्स के लिए अगर स्क्वायर की सीरीज दी हो आपको यानी कि वर्गों की सीरीज दी हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n(n+1)2n+1)/6, n मल्टीप्लाई n प्लस वन मल्टीप्लाई 2n+1)/6, इन ब्रैकेट्स के बीच में अगर कुछ नहीं होता डेट मीन्स कि इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी कि नेचुरल नंबर्स की क्यूबिक सीरीज का अगर योग की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ये स्क्वायर ऊपर भी है न्यूमरेटर और नीचे भी है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर सम यानी कि इवन सीरीज और विषम यानी कि ऑड सीरीज के सम की बात हो रही हो तो आपके पास n मल्टीप्लाई n प्लस वन मल्टीप्लाई n प्लस टू डिवाइडेड बाय 6 ये फॉर्मूला होता है, तो जो भी आपने नोटबुक बनाई हो अपनी डीएलएड की उसमें आप ये नोट कर लें, ठीक है साइड में इसी तरह से। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्क्वायर में 2n+1 है और सम और इवन वाली में n+2 है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अब फर्स्ट सीरीज देखिए आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, ये क्या है नेचुरल नंबर्स है सभी और इनपे क्या है स्क्वायर लगा है, तो यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज के योग हमारे पास क्या है एन, एन क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है तो यानी कि n की बात हो रही है हमारे पास ये फॉर्मूला n(n+1)2n+1)/6, ठीक है ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n क्या होगा हमारे पास 60, तो आप लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देती हूँ 60+1 यानी कि 61 मल्टीप्लाई 60 × 2 यानी कि 120 ठीक है डिवाइडेड बाय 6। एक बार और सुन लीजिए एन क्या होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीरीज, तो इस सीरीज में कितने डिजिट्स हैं 60, तो आप यहाँ रखेंगे एन की जगह 60 + 1 यानी कि 61 और यहाँ 2 × 60 यानी कि कितना हुआ 120 और प्लस 1 जोड़ने के लिए कहा तो 121 हो जाएगा, तो वो मैंने रख दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे 10 times ये डिवाइड हुआ 6 × 1 = 6 और 0 × 0 ऐसी, तो आपके पास कितना आ गया 10 × 61 × 121। अब आप इन सब डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ रही हूँ जिससे आप लोग प्रैक्टिस करें, आपको ये सिर्फ यहाँ लिख के छोड़ना नहीं है कि हमें आता है हम कर लेंगे हम आंसर नहीं निकाल रहे, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन में इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि स्पीड आपको बढ़ानी है, ठीक है कैलकुलेशन स्पीड अगर आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो आपको आता होगा लेकिन आप पेपर छोड़ के आएंगे, ठीक है तो टाइम
जिससे आपका सेव हो सके, इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक से या फिर लॉन्ग डिविजन मेथड से जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे अपनी स्पीड बढ़ाइए। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है ये, तो अगर आप लॉन्ग डिविजन से भी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी स्पीड गेन होनी चाहिए। तो स्पीड गेन करें, इसको ऐसे ही लिखा ना छोड़े, ठीक है, मल्टीप्लाई करें और अपनी स्पीड को गेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 15 से सीरीज 20 तक है ये, तो ठीक है, हमारी नेचुरल नंबर ये जो फॉर्मूला है वो सीरीज के लिए है, टोटल नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी कि 1 से स्टार्ट हो जब सीरीज, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, समथिंग इस तरह से 20 का स्क्वायर, तो लगाएंगे तो हम यही देखिए, अगर ये 1 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख के आपको दिखाती हूँ। आप क्या करेंगे, 1 से लेके 1 का सीरीज, यानी कि आपसे पूछिए 20 तक की, तो आपने क्या करा, 1 से लेके 20 तक की सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस अब 1 से लेके कितने टर्म्स इसमें एक्स्ट्रा है, इस सीरीज में 14 टर्म थे एक्स्ट्रा, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सो ऑन 14 का स्क्वायर, 15 से तो सीरीज आपकी पूछी है, तो आप क्या करेंगे, 14 के स्क्वायर तक की सीरीज को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये सीरीज मिल जाएगी। एक बार और समझिए, ये सीरीज आपकी 15 से 20 तक दी है और हमारे पास फॉर्मूला है 1 से 20 तक का, तो हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें से सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस कर देंगे 1 से लेके 14 तक की, तो हमारे पास 15 से 20 तक की सीरीज मिल जाएगी। फॉर्मूला कैसे, वही नेचुरल नंबर यानी कि एन चाहिए आपको, टोटल नंबर ऑफ सीरीज यानी कि 20, मल्टीप्लाई फिर क्या था आपके पास, एन प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 यानी कि 21 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1, 2 से n की मल्टीप्लाई करिए 40 और प्लस 1 यानी कि 41 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए 1 से 14 यानी कि सीरीज में कितने डिजिट्स हैं, 14 मल्टीप्लाई n प्लस 1 यानी कि 15, 2n 14 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 28, ठीक है, और प्लस 1 यानी कि 29 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया आपके पास। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 2 से कर लीजिए, 2 टेन सा 20, 2 थ्री सा 6, 3 सेवन सा 21, तो ये आ गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 41 माइनस। अब आप इसे करिए, 3 टू सा 6, 3 फाइव सा 15, 2 7 सा 14, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 29। अब आप इस सीरीज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कीजिए, इसे मल्टीप्लाई और दोनों के बीच में क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, यहां जो डिजिट आएगी माइनस, यहां जो डिजिट आएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई नो डेट ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड और कोई नहीं है इस सीरीज को सॉल्व करने का, इसलिए आपको इसी से करना पड़ेगा, अगर कुछ होता तो मैं बताती, लेकिन बस आप एक ही काम कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ नेक्स्ट सीरीज है आपकी 1 से लेके 20 तक स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस बार क्या लगा है 3, सबकी पावर क्या है 3, इसे बोलते हैं क्यूब, 1 की पावर 3 यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 20 का क्यूब, तो ये सीरीज क्या है, एक नेचुरल नंबर की सीरीज है और इसपे क्या है क्यूबिक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास सेकंड नंबर का, यानी कि नेचुरल नंबर की सीरीज होनी चाहिए और एक क्यूबिक सीरीज होनी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले का वही रूल रहना है कि एन क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल नंबर कितने हैं 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 2, ठीक है, 2 टेन्स आर 20, तो ये आ गया आपके पास 21 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो जाएगा 210 का स्क्वायर, तो आप 21 मल्टीप्लाई 21 कर लें, इसके पास 2 जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएंगे, 1 1 1, 2 2 और 4 कितना आ जाएगा 4 4 1 0 0 आपके पास आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब जो नेक्स्ट सीरीज है वो सिमिलर जैसे हमने ये क्वेश्चन करा था वैसे ही होगा, बस ये स्क्वायर का था ये क्यूबिक फॉर्म में है। तो देखिए इसमें सीरीज 10 से स्टार्ट हो रही है 20 तक और हमारे पास फॉर्मूला है 1 से 20, तो हम भाई अप्लाई करेंगे 1 से लेके 20 तक का फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राई करा 1 से 20 तक का फॉर्मूला और हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे जितने इसमें एक्स्ट्रा टर्म है, यानी कि 9 तक के एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास, तो 1 से लेके 9 क्यूब तक के हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा टर्म है, तो हम वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस फिर से क्या था n मल्टीप्लाई n प्लस 1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 2। तो इसे सॉल्व करिए 10 आ जाएगा यहाँ, 10 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर माइनस यहां से सॉल्व करिए 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सीरियस हैं और स्टडी कर रहे हैं, जिससे मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस ला सकूं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप सभी लाइक जरूर कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैथ्स विद तनु को भी सब्सक्राइब कर लें, ये मैंने नया चैनल ओपन करा है, इस पर मैं बहुत अच्छी आने वाले समय में वीडियोस देने वाली हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 20 की पावर 2, तो ये जो सीरीज है आपकी इवन नंबर की है। ठीक है, और देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इवन और सम के लिए है, यानी कि इवन यानी कि सम और ऑड यानी कि विषम संख्याओं के योग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो वो आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, स्क्वायर वाली सीरीज में, क्यूब वाली सीरीज नहीं आएगी आपके में, अभी लेवल नहीं है, बस आपके में आएगी इवन और ऑड में, तो स्क्वायर वाली सीरीज आएगी। ठीक है, कभी आप सोचें कि क्यूब वाली सीरीज नहीं आएगी हम क्या करना है, तो आपको नहीं आएगी, स्क्वायर वाली सीरीज ही आएगी। देखिए एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ये है आपके पास फॉर्मूला इन दो क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे आप, 22 से 20 तक आपको दिया है, यानी कि आप क्या करेंगे, हाँ तो देखिए इस सीरीज में आप क्या करेंगे, n n क्या लेना है आपको, लास्ट डिजिट यानी कि 20, क्या करेंगे आप 20 लेंगे मल्टीप्लाई 20 में आपको क्या करना है 1 प्लस यानी कि 21, और फिर 20 में आपको 2 प्लस करना है यानी कि 22 डिवाइडेड बाय 6। देखिए ये जो है 2 4, एक एक टर्म मिसिंग है, 2 4 6 से 20 तक चली, यानी कि ये क्या है आपके पास इवन सीरीज है, इवन सीरीज है, और क्या है इसके ऊपर पावर 2 है, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे n n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो n क्या होगा आपके पास लास्ट डिजिट ऑफ सीरीज। ठीक है, लास्ट डिजिट नंबर ऑफ सीरीज यानी कि 20 21 22 डिवाइडेड बाय 6, आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, आप इसे डिवाइड करिए 3 2 6 3 7 और ये आ गया आपके पास 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22, तो बस आप इसे सॉल्व कर लेंगे आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें 1 3 5 और 25 दिया है आपको, यानी कि ये क्या एक ऑड सीरीज है आपकी, लेकिन इसमें भी क्या है स्क्वायर लगा है सब पे, तो आप क्या करेंगे इसमें 25 यानी कि लास्ट डिजिट n n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया आपके पास आपका आंसर, बस आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करेंगे इसका और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जिनका मैंने आंसर आपको नहीं दिया है, ठीक है, आपके लिए छोड़ा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ यही लिखा रह जाए। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर चेक करेंगे और मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर क्या आगे अपना आंसर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगी, और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें और सबको बताएं कि पीहू अकेडमी पे यूके डीएलएड का फ्री कोर्स की सीरीज स्टार्ट की गई है मैथ्स की, अभी थोड़े टाइम बाद रीजनिंग जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी करी जाएगी, लेकिन प्लीज अभी आप मैथ्स स्टार्ट कीजिए, इतने डोंट वरी वो स्टार्ट की जाएंगी बट थोड़े दिनों बाद, तब तक आप मैथ्स से काम चलाएं, आप मैथ्स की प्रैक्टिस करें, आप मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके को कवर करने के लिए, लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा
टिप देना चाहूंगी कि जीके के आप करंट अफेयर डेली के स्टार्ट कर दें। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो मुझे बता दें, यूके डीएलएड में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि आपको सारे पॉइंट तो लर्न नहीं करने होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं डेली की, बहुत सारी अपडेट्स होती हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगी आपको वही पढ़नी है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैं आपको वो प्रोवाइड करवाने लगूंगी, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें और आप डेली के करंट अफेयर तब तक पढ़ने लग जाएं। बाकी आप सबको छोड़ दें, आपको मटेरियल मिलेगा आने वाले दिनों में, तो आप वो प्रिपेयर कर लें। डोंट वरी, आपका अभी तक फॉर्म भी नहीं आएगा, फॉर्म आने से पहले पहले सीरीज शुरू करवा देंगे और आपके पेपर से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।